दोस्तों देश में चुनावी मौसम चल रहा है। प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कोई घर जाकर वोट मांग रहा है तो कोई चुनावी सभा कर रहा है। लेकिन बीते रविवार को मथुरा की भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जिस अंदाज में वोट मांगे उसे देखकर लोगों को फिल्म शोले की बसंती की याद आ गई। भाजपा ने एक बार फिर मथुरा की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी पर भरोसा जताया। पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए हेमा मालिनी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चकाचौंध की फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई हेमा मालिनी तेज धूप में खेतों में जाकर किसानों के साथ गेहूं काट रही हैं और बीजेपी को जुताने के लिए वोट मांग रही हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी मथुरा के गांव देवसेरस के गेहूं के खेत में पहुंच गईं। खेत में गेहूं काट रहे किसानों और मजदूरों से वोट मांगने की अपील की। इसके बाद हेमा ने दराती से गेहूं काटे और फिर गेहूं का गट्ठर उठा लिया। यह नज़ारा देख किसान और मजदूर दंग रह गए। अभी तक फिल्मों में ही लोगों ने हेमा मालिनी के कई रूप देखे थे, लेकिन चुनावी मौसम में किसान के रूप में देखा, लोगों को फिल्म शोले की बसंती याद आ गई। बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव मैदान में भाजपा से हेमा मालिनी, गठबंधन से रालोद और के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस ने महेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल ने भी बसपा प्रत्याशी के तौर पर चौधरी जगवीर सिंह नौवार सिंह को खड़ा किया है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीट से आखिर कौन जीतता है। वैसे ज्यादा चांसेस तो हेमा मालिनी की ही जीत के लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन इस पार्टी से विजेता बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।